यूपी के सहारनपुर का एक गांव, विकास और वहां रहने वाले लोगों को मिलने वाली जन सुविधाओं के मामले में कई स्मार्ट सिटीज को भी बड़ी टक्कर दे रहा है। और साथ ही साथ इस गांव की महिला प्रधान महिला सशक्तिकरण के मामले में भी एक बड़ी मिसाल पेश कर रही हैं। दरअसल आज के समय में महिलाएं पुरुषों के समान काम कर रही हैं। एक तरफ जब पहले महिलाओं को सिर्फ चार दीवारी के भीतर रहने की अनुमति थी, जहां वे सिर्फ घर के कामकाज में ही सिमटी रहती थी, वहीं दूसरी तरफ जब समाज बदला, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसा कहा जाता है, घर में अगर एक महिला को शिक्षित किया जाए तो घर की कई पीढ़ियां शिक्षित हो जाएंगी और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। और ऐसे शिक्षित समाज में अगर महिलाएं राजनीति में आएंगी तो एक नए विकसित समाज को आकार मिलेगा। एक ऐसी ही तस्वीर सहारनपुर थरौली गांव की है, जहां एक महिला ने गांव के प्रधान की कुर्सी संभाल रखी है। जी हां, थरौली गांव की प्रधान रीटा चौधरी जब गांव की प्रधान बनी तो उन्होंने गांव की तकदीर एवं तस्वीर दोनों बदल कर रख दी। गांव में अनेक विकास कार्य कराए, गांव को हाईटेक बनाते हुए गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए, साथ ही बच्चों को पढ़ने के लिए निशुल्क लाइब्रेरी का निर्माण कराया, सड़कें बनाई गईं और हर महीने महिलाओं को फ्री में सैनिटरी पैड की व्यवस्था की गई। गांव के स्कूल को हाईटेक बनाया गया ताकि बच्चे प्राइवेट स्कूलों में न पढ़कर गांव में ही पढ़ें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कार्य कराए, गाँव में महिलाओं की सुरक्षा के बहुत कार्य कराए, जैसे लाइटें लगवाई और सीसीटीवी कैमरे लगवाए महिला की सुरक्षा के लिए। लड़कियों के लिए निःशुल्क लाइब्रेरी का प्रयोग किया, वो बनवाई है, और महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड का वितरण किया। गांव के प्रधान द्वारा किए गए कार्यों से गांव वाले बहुत खुश हैं। एक यहाँ पर पंचायत बैठक थी पहले, इसमें बहुत अच्छे कार्य करेगा जी, उसी में बैठक है जी, बैठने की सभी की सबसे अच्छा काम करवाया, महिला के लिए भी सबसे सुंदर था करवा रखी गाँव में। प्रधान रीटा चौधरी के प्रयासों ने गांव की तस्वीर बदल कर ये साबित कर दिया कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। महिलाओं को प्रधान रीटा चौधरी से सीख लेकर आगे आना चाहिए ताकि एक अच्छे और स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।